आज मैं आप सभी को एक ऐसा चमत्कारी टोटका बतलाने जा रहा हूँ जिस टोटके के मात्र एक प्रयोग से आप किसी भी लड़की को अपने प्यार में दीवानी बना सकते हैं, किसी भी लड़की के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, अपने लिए प्यार जगा सकते हैं। देखिएगा, आज का जो ये वशीकरण टोटका है बहुत ही शक्तिशाली है और इस वशीकरण से आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं, चाहे वो लड़की आपके पास हो, आपसे दूर रहती हो या आपसे बात करना नहीं चाहती हो, आप उसको अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, तो घर बैठे बैठे आज का यह एक काम जरूर कर लीजिएगा। फिर देखिएगा चमत्कार, आप जिसके लिए तड़प रहे हैं वो स्त्री भी आपके प्यार में तड़प उठेगी, मिलने को बेचैन हो जाएगी और खुद आपके पास में आने की सोचेगी, आपसे बात करने की सोचेगी। क्या कैसे करना है, सिर्फ दो लहसुन का कली लेकर के आइए मैं आप सभी को बतलाता हूँ। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, इस वशीकरण टोटका को आप सुबह में जब भी जगिएगा उस समय बासी मुंह कीजिएगा और रात को जब भी सोइएगा एक छोटा सा सुई ले लीजिएगा, जिसको सुई का प्रयोग आप सभी को बतला दूं कटा फटा गुदर सीने के लिए प्रयोग किया जाता है, कपड़ा सीने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको ले लेना है। और आपको दो लहसुन की इस प्रकार से कलिया ले लेना है और एक आपको क्या लेना है, पेन, पेन हो, बोर्ड मार्कर हो, कोई भी स्याही हो, उससे ले लेना है। और लेकर के बासी मुंह उसी रूम में आप बैठ करके रहे जिस रूम में आप सोते हैं। करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप पूर्व दिशा की तरफ में घूमिएगा, 7 बार उस प्यार का नाम लेकर के हवा में फूंक लगाइएगा पूर्व दिशा की तरफ में। जैसे ही फूंक लगाना खत्म होगा ध्यान से देखते रहिएगा, स्याही के सबसे पहले प्रयोग से आप पहले पहले ही अपने प्यार का नाम लिखिए, उस स्त्री का नाम लिखिएगा, उस लड़की का नाम लिखिएगा जिसको अपने प्यार में तड़पाना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, उसका नाम जो भी होगा आप लिख दीजिएगा। मैं यहां लिख देता हूं उदाहरण के तौर पे सोनी। मान लीजिए आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उनका नाम है सोनी, उस लड़की का नाम इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। नाम लिखने के बाद में इधर पलटिएगा और पलटने के बाद में एक छोटा सा मोहिनी चमत्कारी मंत्र लिख दीजिएगा, जिससे कि इसके मन को ये मंत्र मोह देगा और आपके पास में आकर्षित करके चुंबक की तरह खींच के आपके पास में ला देगा और प्यार करने को मजबूर कर देगा। मंत्र बहुत ही छोटा है, इस प्रकार से ओम क्लीम, क्या लिखना है, ओम क्लीम। जैसे ही लिखिएगा इसको आप अलग कर दीजिएगा, नीचे रख दीजिएगा और दूसरे लहसुन के कली पे सबसे पहले आप अपना नाम लिखिएगा। जैसे आपका नाम जो भी होगा आप लिखिएगा, मैं लिख देता हूँ राम। जैसे ही आप अपना नाम लिखिएगा इसको पलटिएगा और इधर में उस स्त्री का नाम लिखिएगा, जैसे कि इधर क्या लिखे हैं सोनी, उसी प्रकार से इधर लिखेंगे सोनी। जैसे कि मैं लिखकर आपको बतला रहा हूँ आप सब ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से लिखेंगे सोनी। जैसे ही उस स्त्री का नाम अपना नाम लिखिएगा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले उस स्त्री के लहसुन के कली को उठाइएगा और उस स्त्री का नाम लीजिएगा, ओम क्लीम बोलिएगा, उसका ध्यान अपने दिल में मन में कीजिएगा और इसको अपने सर से बस 7 बार उछरंग करके इसको क्या कीजिएगा, जो सुई लिए है इसे छेद करके आरो पार कर दीजिएगा। जैसे ही आरो पार कर दीजिएगा दूसरे लहसुन की कली पे अपना नाम प्लस अपने प्यार का नाम लिखे हैं, इस पर बस 7 बार अपना नाम लेकर के और 51 बार इस सोनी नाम का फूंक लगा करके आपको फिर उसी तरह से क्या करना है, आरोपात छेद करके इस प्रकार से सटा देना है। जैसे ही सटा दे इसको कहीं नहीं फेंकना है, कहीं कुछ नहीं करना है, बस चुपके चोरी से उसी रूम के पूरब वाले कोन पे बस थोड़ी सी मात्रा में मिट्टी का खुदाई करना है और नीचे दबा देना है। जैसे ही दबा दीजिएगा आप बोल दीजिएगा अपने दिल की बातें जो कि प्यार के बारे में आप रखे हैं, फिर आप जो भी काम करेंगे, जो भी काम करते हैं वो काम करने चले जाइएगा। फिर देखिएगा चमत्कार, 24 घंटे के अंदर में वह स्त्री खुद चलकर आपके पास में आएगी, आपसे प्यार करेगी, आपसे बात करेगी और आपके बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाएगी।